हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे एक हाई एंड ऑडियो सिस्टम घर पे तैयार किया है। ठीक है, आप में से जितने लोग हैं जिन्हें बेस बहुत अच्छा लगता है या जो चाहते हैं कि घर पे हम लोग जैसे डिस्क पार्टी जैसा ऑडियो सिस्टम बना सकें, या घर पे ऐसा कोई ऑडियो सिस्टम हो जो हमें वो लिक्विड बेस की फीलिंग दे, तो ये वो ऑडियो सिस्टम है जो मैंने तैयार किया है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी ये फिलिप्स का 2.1 होम थिएटर पड़ा हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास ये पेन ड्राइव वाले फंक्शंस थे और रिमोट वाले फंक्शंस भी हैं, एफएम भी है, वो तो आपको पता है कौन इतना कम ही यूज़ करते हैं। साथ में मैंने इसके ये ब्लूटूथ वाली डोंगल बाय कर ली है जो इसमें कनेक्ट करके मेरा फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस ऑडियो सिस्टम के साथ फिलिप्स वाले मैंने क्या करा है, मैंने एक साउंड स्ट्रीम का 1500 वॉट का डुअल कॉइल सबवूफर कनेक्ट किया है। ठीक है, इस सबवूफर को चलाता है ये वाला सोनी का मोनो एम्पलीफायर। हाँ जी, मोनो एम्पलीफायर जो सिर्फ वूफर के लिए बनता है, जो सिर्फ वूफर ही चला सकता है सबवूफर। ठीक है, इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है XM GS 100। ठीक है, ये ऑपोजिट रखा हुआ बट मैंने आपको बता दिया है। तो इस होम थिएटर के साथ मैंने ये एम्पलीफायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और उस एम्पलीफायर के साथ मैंने ये वाला 1500 वॉट का डुअल कॉइल सबवूफर कनेक्ट कर दिया है। इनकी कनेक्शन ऐसे हुआ है कि आपको पता है इसके अंदर ये दो पावर केबल जा रही हैं, हमारी 4 गॉज की पावर केबल जा रही हैं, और रिमोट लीड के साथ मैंने ये स्विच कनेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव और रिमोट वायर के साथ ये स्विच कनेक्ट कर दिया जिससे ये ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ये हाई लेवल इनपुट्स दिए हैं मैंने। हाई लेवल इनपुट वायर होती है हमारी इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये वाली आरसीज नहीं कनेक्ट करी हैं। आप चाहें तो आरसीज भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी के साथ, अपने टाटा स्काई के साथ। ठीक है, या अपने किसी और ऑडियो सिस्टम के साथ आप आरसी कनेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दोनों कॉइल्स को पैरेलल में 2 ओम्स का लोड बनाकर ब्रिज पे ब्रिज करके इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और जो ये हाई लेवल इनपुट है वो इस बॉक्स में से आ रही है जो इसका ये खुद का वूफर है। ठीक है, ये खुद का वूफर है, इसकी जो पीछे कनेक्शंस हैं उसमें मैंने जॉइंट लगा के ये हाई लेवल आउटपुट निकाल लिया है। ठीक है, वो हाई लेवल आउटपुट एम्पलीफायर में इनपुट होगी। इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसमें से जो आवाज़ आती है वो सिर्फ बेस आता है, तो वो बेस ऑलरेडी फिल्टर्ड होता है, वो प्योर बेस होता है, वो प्योर बेस इसके अंदर इनपुट होता है एम्पलीफायर के अंदर, और फर्दर हम इसे इसमें भी फिल्टर करके उसे और ज़्यादा प्योर कर देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर के अंदर मैंने इसे इनपुट कहाँ से दी है, ये जो ऑडियो सॉरी पावर केबल जा रही हैं जो ये इनपुट कहाँ से आई है। इनपुट के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि मैं कैसे ये गाड़ी वाला ऑडियो सिस्टम घर पे चला सकूँ। मैंने इवन ये बाय करने से पहले मार्केट में भी काफ़ी हाई एंड सोनी के जो ऑडियो सिस्टम्स आते हैं, एलजी के आते हैं, होम थिएटर आते हैं, जो होम डिस्क क्या कहते हैं, होम डीजेज आते हैं, वो भी मैंने देखे, बट उसके अंदर ये वाला जो बेस होता है इतना हैवी बेस और ऑडियो मुझे नहीं मिला। ऑडियो तो खैर इसका होम थिएटर का ही है, बेस जो है वो इस वूफर से आता है। ठीक है, ये बेसिकली मैंने कई सारे वो आपने यूट्यूब पे भी वीडियोस, कुछ लोग अगर इस चीज़ पे मतलब इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में तो उन्होंने देखा होगा कि SMPS PC की SMPS से कनेक्ट करके चलाते हैं, वो सब बेकार चीज़ें हैं। वो हल्के एम्पलीफायर्स जो देसी एम्पलीफायर्स होते हैं जैसे हमारे पास आते हैं, ये उनको चलाने के लिए ही वो ठीक रहते हैं, जो 4 चैनल एम्पलीफायर्स आते हैं देसी। आप समझ ही गए होंगे किन ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप हाई एंड ब्रांड्स में जाते हैं जैसे पायनियर, ठीक है, सोनी का जैसे हो गया, सोनी खैर और कार ऑडियो में इतना सही नहीं है, बट मुझे मोनो एम्पलीफायर चाहिए था इस वूफर के साथ मैचिंग का, तो मुझे वही मिल गया, ठीक मिल गया, वो प्राइस भी ठीक मिल गया मुझे इनका। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनका। ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या प्राइसेस हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के, इवन इस होम थिएटर का भी डाल दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। वैसे आप किसी भी उसके साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं सोर्स के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने SMPS से भी चला के देखा, बहुत चीज़ों से चला के देखा, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो इस मोनो एम्पलीफायर और इस वूफर का लोड उठा सके। फिर एट द एंड मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है,
एट द एंड फ्रेंड्स मैंने क्या करा, हमारे पास ये इन्वर्टर लगा हुआ है घर पे लुमिनस का। लुमिनस के इन्वर्टर के साथ हमारे पास ये 12 वोल्ट की हैवी 150 एम्पियर की बैटरी होती है। तो मैंने क्या करा फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की जो वायर्स हैं वो देख सकते हैं आप, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है, उसके साथ अपनी ये एम्पलीफायर की वायर लगा दी, ठीक है। और जो मुझे किट के साथ, यहाँ पे वायरिंग किट के साथ 80 एम्पियर्स का फ्यूज़ मिला था, वो मैंने इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करा, और ये वायर्स चलते चलते वहाँ मेरे रूम में जा रही हैं, ठीक है, इस डोर के अंदर से। इन्वर्टर के अंदर 12 वोल्ट का मुझे 150 एम्पियर का करंट मिल गया, जो मैंने इसे वो वाली ब्लैक एंड रेड वायर से इस एम्पलीफायर में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इससे इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, ये बहुत ही मतलब सारा, आपको पता है गाड़ी की बैटरी हमारी 60 या 70 एम्पियर्स की होती है, डीजल गाड़ियों की बैटरी हमारी 80 एम्पियर्स की होती है, पेट्रोल कार्स जैसे मेरे पास बलिनो है इनकी और छोटी बैटरी होती है, 45 एम्पियर्स की होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 150 एम्पियर इसको प्रोवाइड कर रहा है, जो मोर देन एनफ है। मैं चाहे 3 एम्पलीफायर ऐसे चला सकता हूँ, 4 भी चला सकता हूँ इसके साथ, ठीक है। तो आप देखिए इन्वर्टर से कनेक्ट करने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो सिंपल बैटरी खुद से चार्ज होती रहती है, खुद से इन्वर्टर चार्ज होता है, बैटरी चार्ज करता है, ये चलता रहता है, मुझे कोई इसके अंदर चार्जिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस जितना मेरे को लोड चाहिए था इस मोनो एम्प और इस हैवी वूफर को चलाने के लिए, उतना मुझे मिल गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका ऑडियो टेस्ट भी करा देता हूँ, मैंने एक गाना पॉज करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देखिए कैसे ये वूफर वर्क करता है। और हाँ, इसके साथ मैच करने के लिए मैंने इस एम्पलीफायर को अभी सिर्फ हाफ गेन पे रखा हुआ है, मतलब ये आधी पावर पे चलता है अभी, फुल वॉल्यूम पे भी, पूरी पावर पे तो ये मेरे घर के शीशे तोड़ दे, ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, ये आइडिया भी अच्छा लगा हो कि कैसे हम एक कार वाले हैवी ऑडियो सिस्टम को घर पे हम लोग चला सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। थैंक यू।